बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम आयरन पैनल टेस्ट को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो जो आयरन पैनल टेस्ट होते हैं ये अनीमिया को डायग्नोस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आयरन पैनल टेस्ट के अंदर सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन, ट्रांसफेरिन आयरन सेचुरेशन परसेंटेज, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ट्रांसफेरिन और हीमोग्लोबिन आता है। ओके, सीरम आयरन ये वो आयरन होता है जो कि ब्लड के अंदर होता है और यह हिमोलिटिक अनीमिया के अंदर रिलेटिवली बढ़ जाता होता है और न्यूट्रिशनल अनीमिया के अंदर कम हो जाता है। सीरम फेरेटिन आपके आयरन स्टोरेज को बताता है टिश्यूज़ के अंदर, और जितना सीरम में ज़्यादा होगा उसका मतलब टिश्यूज़ में भी ज़्यादा है, यानी फेरेटिन आयरन की स्टोरेज फॉर्म होती है। नंबर थ्री, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन, ये भी बताती है कि आपकी बॉडी के अंदर आयरन कितना ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, तो सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन और ट्रांसफेरिन सेचुरेशन ये नॉर्मली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तीनों सेम जाते होते हैं। तो ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल जो आयरन से बाइंड होते हैं तो वो सेचुरेशन होती है। इसके बाद टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, ओके, ये फ्री ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन ज़्यादा है तो जो फ्री ट्रांसफेरिन के मॉलिक्यूल हैं वो कम हो जाते होते हैं, यानी TIBC, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाती है जब आयरन ओवरलोड होता है। इसके बाद ट्रांसफेरिन, TIBC और ट्रांसफेरिन, ओके, ये दोनों फ्री ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल को शो करते हैं, तो ये भी कम हो जाते हैं जब आपकी बॉडी में आयरन ओवरलोड होता है। और लास्ट में हीमोग्लोबिन, ये बताता है कि आपकी बॉडी में जो ब्लड आयरन रिजर्व कितना है, क्योंकि ब्लड के अंदर जो मोस्ट कॉमन आयरन होता है वो HB की फॉर्म में होता है। अब हम डिफरेंट डिजीज़ के अंदर पढ़ते हैं कि किस डिजीज़ के अंदर क्या आयरन पैनल के अंदर क्या फेरोकाइनेटिक्स में डिफरेंस आएगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हीमोक्रोमाटोसिस। हीमोक्रोमाटोसिस के अंदर आयरन ओवरलोड आपको देखने को मिलता होता है। ओके, पहले हीमोसिड्रोसिस होता है, फिर हीमोक्रोमाटोसिस होता है। प्राइमरी होता है, सेकेंडरी होता है। इसमें सीरम आयरन ज़्यादा होगा, सीरम फेरेटिन भी ज़्यादा होगा, आयरन ओवरलोड है। ट्रांसफेरिन सेचुरेशन भी ज़्यादा होती है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी और ट्रांसफेरिन रिलेटिवली कम होते हैं, और इसमें हीमोग्लोबिन भी ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है। नेक्स्ट है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल एनीमिया ड्यू टू ब्लड लॉस या डाइटरी इनटेक नहीं है या फिर कैंसर है। तो सीरम आयरन, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन तीनों कम हो जाती है। जब ये तीनों कम हो जाएगी तो इनके रिस्पॉन्स में ट्रांसफेरिन और TIBC बढ़ जाएगा, और जब सीरम आयरन कम है तो HB भी कम होगी। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, ओके, सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर क्या होगा? सिडरोब्लास्टिक एनीमिया के अंदर हीमोग्लोबिन सिंथेसिस नहीं हो पाती, यानी जो पोरफायरिन पोर्शन है वो नहीं बन पा रहा होता, तो सीरम आयरन ज़्यादा होगा क्योंकि वो आगे हीमोग्लोबिन बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। सीरम फेरेटिन भी ज़्यादा होगा, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन भी ज़्यादा होगी, बट TIBC और ट्रांसफेरिन कम होगा इन रिस्पॉन्स टू इंक्रीज फेरेटिन, और हीमोग्लोबिन भी कम होगा बिकॉज हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन नहीं हो पा रही ड्यू टू इनएफिशिएंट प्रोटोपोरफायरिन सिंथेसिस। नेक्स्ट है थैलासीमिया। थैलासीमिया के अंदर क्या होता है? थैलासीमिया और सिकल सेल एनीमिया के अंदर हिमोलिसिस देखने को मिल रही होती है, इनएफेक्टिव एरिथ्रोपोइसिस देखने को मिल रही होती है। तो इस केस में सीरम आयरन, फेरेटिन और ट्रांसफेरिन सैचुरेशन ज़्यादा होगी, जबकि TIBC और ट्रांसफेरिन ये भी कम होगा, हीमोग्लोबिन भी कम होगा। नेक्स्ट है पोरफारिया कुटिनिया टार्डा, ये भी पोरफारियास है, तो ये भी सेम प्रेजेंटेशन देते हैं जो ऑलमोस्ट सिडरोब्लास्टिक एनीमिया वाली थी। ओके, जैसे आप ऊपर कंपेयर करोगे कि सीरम आयरन, सीरम फेरेटिन और ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ है। ओके, बस यहाँ पे एक चीज़ का डिफरेंस होता है, पोरफारिया कुटिनिया टार्डा के अंदर क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको TIBC और ट्रांसफेरिन ये भी कम देखने को मिलते होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पोरफारिया कुटिनिया टार्डा और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में। सिडरोब्लास्टिक एनीमिया में ऑलरेडी कम होते हैं, ओके, वैसे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में और भी चीज़ें कम होती है, ठीक है। इसके बाद एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ है। एनीमिया ऑफ क्रॉनिक डिजीज़ के अंदर क्या होता है? हेप्सिडिन की प्रोडक्शन होती है, वो आयरन की अब्सॉर्प्शन को, आयरन की सिक्वेस्ट्रेशन को कम कर देती है, तो आयरन कम होगा लेकिन फेरेटिन नॉर्मल या ज़्यादा हो सकता है। लेकिन जो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन है इस केस में क्या होगी? कम होगी क्योंकि आयरन रिलीज नहीं हो पा रहा। और इसके अलावा जब आयरन, फेरेटिन ज़्यादा है तो फिर ट्रांसफेरिन, TIBC और फिर ट्रांसफेरिन मॉलिक्यूल भी कम हो गए, और चूंकि आयरन ट्रैप हुआ है तो हीमोग्लोबिन भी कम होगा। इसके बाद अफ्रीकन सिडरोसिस है। अफ्रीकन सिडरोसिस ये आपको बिल्कुल वैसे प्रेजेंट करती है जैसे आपकी वाली होती है सिडरोब्लास्टिक एनीमिया, सेम प्रेजेंटेशन होती है, बस HP इसमें नॉर्मल होता है। वाइटमन B12 डेफिशिएंसी, पर्निशियस एनीमिया, इसके अंदर भी आपको हिमोलिसिस देखने को मिल सकती होती है जिसमें आपको फेरेटिन ये सब चीज़ें ज़्यादा होगी, लेकिन जो चीज़ कम होगी, ओके, वो ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, TIBC, वन सेकेंड हिमोलिटिक एनीमिया की वजह से है, और HP भी कम देखने को मिलेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये फ्लो चार्ट समझ आ गया होगा।
मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ, समराइज़ नहीं बल्कि आप देख लो, उसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी बहुत काम आएगा।